दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ईबुक बना सकते हो और उसको फेसबुक पे सेल करके काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा या आप भी जानते होंगे कि लोग ईबुक बनवा के सेल करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। लेकिन अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो वहां आपको लीड की जरूरत पड़ती है, तो आप इससे लीड्स भी जनरेट कर सकते हो और प्लस आप इसको सेल करके पैसे भी अर्न कर सकते हो। और तो और गाइस, आज मैं आपको एक फ्री वे बताऊंगा जिसमें आप फ्री में ईबुक को बना के अर्निंग कर सकते हो, या तो लीड जनरेट कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि आप किसी को पैसे दे के ईबुक बनवा सकते हो, या ये या वो या फलाना या ढिकाना। लेकिन मैं यहाँ आपको सीधा सीधा वे बताऊंगा ईबुक बनाने का। तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हमारी वैल्यूएबल वीडियोस आपके मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इनसे कुछ नॉलेज लेके काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकें ऑनलाइन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले गाइज, एज यूजुअल हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पे। हर बार मैं आता हूँ बोर्ड पे, कुछ चीजें बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेआउट मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक ई बुक बनाएंगे और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी की मदद नहीं लेनी, आप खुद बना लोगे, मैं आपको तरीके बताऊंगा। दूसरा, आप उसको फेसबुक पे सेल कर सकते हो, फेसबुक पे सेल कर सकते हो ई बुक को, ठीक है। और ये आपकी ई बुक है, ई बुक को आप फेसबुक पे सेल कर सकते हो। और थर्ड, आप उससे लीड जनरेट कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग में होगे तो आपको पता होगा लीड जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी सेल पाने के लिए, तो आप उससे लीड भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं कैनवा। कैनवा का बहुत ही नया नया फीचर आया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो एक बहुत ही शक्तिशाली लीड मैग्नेट पेज इन कैनवा, ठीक है। सो लर्न ई बुक मेकिंग इन 10 मिनट्स एंड सेल ऑन फेसबुक, ऑल्सो अ लीड मैग्नेट इन कैनवा। सो हम सीधा चलते हैं कैनवा में। सो आई थिंक आपको पूरा कैनवा आप दिख रहा होगा। तो कैनवा में आपको पता है बहुत सारे डिजाइन आपको फ्री में मिल जाते हैं, क्रिएट अ डिजाइन, ठीक है। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट, पर्सनल एंड एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग सब चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। इवेंट अगर आपको पता नहीं है कैनवा डॉट कॉम के बारे में तो मैं बता दूँ, यहाँ आप ग्राफिक्स भी बना सकते हो और ऐसे बहुत सारे लेआउट्स बना सकते हो, हर कुछ बना सकते हो फ्री में। और इस समय कैनवा के काफी नए नए फीचर्स आए हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें से एक चीज डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में A4 डॉक्यूमेंट मैं क्लिक करूंगा, यहाँ एक पेज खुलेगा। सो ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको एक टेम्पलेट चूज कर लेना है। तो मैं एक टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छा सा सीधा सिंपल मिल जाए टेम्पलेट तो आपको आगे की चीजें बताऊं। तो ये देखो, ये प्रोजेक्ट आउटलाइन, ये अच्छा टेम्पलेट लग रहा है मुझे। तो यहाँ आपको बनानी है अपनी ईबुक, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा है ऐड अ न्यू पेज, तो यहाँ आपको क्लिक करना है, क्योंकि 2-3 पेज की कम से कम होनी चाहिए आपका जो क्या बोलते हैं ई बुक है। तो पहला मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरे पेज के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ ये जो दूसरे पेज में आएगा, ठीक है। और थर्ड पेज के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक सिंपल सा ये, ठीक है, ताकि अपन नीचे दिखा सकें कि इसको क्या क्या हम लोगों ने कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। अब थोड़ा जूम आउट मार लेते हैं, या तो अपन भी थर्ड पेज के लिए ये नहीं, अपन यही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ही हम बनाएंगे। अब मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ओके राइट। तो अब पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ चीज़ें अच्छे से नहीं दिख रही, अब आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ आप डाल सकते हो डेट या ई बुक लिख सकते हो, ओके ई बुक आप यहाँ लिख लो। थोड़ा एट्रेक्टिव बनाना है अपने को, तो अच्छे से थोड़ा हमें सारी चीजें करनी है, ओके ई बुक ऐसा फनी टाइप का, थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ आपको आप अपनी फोटो डाल सकते हो, ओके यहाँ पर मैं डालता हूँ फटाफट। ओके सो मैं ई बुक जो बना रहा हूँ वो एफिलिएट मार्केटिंग के बेस पे बना रहा हूँ, तो मैंने डाल दिया है ई बुक फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ई बुक एफिलिएट मार्केटिंग, इसको मिटा देते हैं और ई बुक ओनली रहने देते हैं। अच्छा दिख रहा है, सेक्सी सा नजर आ रहा है, ओके।
अच्छा दिखाने के लिए आप अपलोड कर सकते हो फोटोज को। यहाँ मैंने काफी सारी फोटोज यूज रखी हुई है, तो इनमें से मैं कोई सा फोटो यूज कर लेता हूँ, लाइक दैट दिस। ओके, तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ कि मेरे तरफ से ये ईबुक मिल रही है। ओके, तो ये ईबुक का मैंने यहाँ लगा दिया है। इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छा दिखे। तो ये यहाँ ठीक है। अब इसके नीचे ये इसको हटा देते हैं, ऑल डिलीट। अब यहाँ थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम कुछ चीजें लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ कवर वर डाल सकते हो, व्हाट्सएप की फोटो डाल सकते हो थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, या यहाँ लिख सकते हो नीचे, इसको क्लिक करके यहाँ पर लिख सकते हो प्रेजेंट PERS present by official तौहीद अहमद, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा सजा सकते हो। सो गाइज, मैं पूरी चीज आपको नहीं बताने वाला, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बना के बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप बना सकते हो और यहाँ पर मतलब पूरे डिजाइन डिजाइन को यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज में भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ आप जो भी लिखा हुआ आप लिखोगे, वो लिखना है कि आप इसमें पहले आपको लिखना है कि आप क्या क्या बता रहे हो, ठीक है। तो आप इसमें बताओगे कि कैसे आप फनल बना सकते हो, कैसे आप चैटबॉट बना सकते हो, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ये पूरे टॉपिक्स आप यहाँ डाल दोगे। और उसके बाद आप नीचे में बोलोगे कि अगर आपको और भी मतलब ये जो सारी चीज़ें आपने लिखी हुई है, अगर आपके पास ब्लॉग है तो आप ब्लॉग को लिंक कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, जैसे यहाँ आप लिख सकते हो क्लिक हियर टू नो मोर, ठीक है। ऐसे ही होता है आपके ई बुक में, क्लिक हियर टू नो मोर। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, आप इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लिंक करने का, ठीक है। यहाँ पर अपने लिंक लाके ई बुक अपना ब्लॉग का डाल दोगे और डायरेक्ट लोग वहां चल जाएंगे। अगर आपके पास इन केस ब्लॉग नहीं है, वीडियोस नहीं है, तो आप लिंक कैसे डालोगे? मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है क्यूरा.com पे। क्यूरा.com पे कोई सा भी एक अच्छा आर्टिकल ढूंढना है और वहां से आपको उस लिंक को ला के यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही लोग क्लिक करेंगे उस आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे और जाके उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जैसे ही आपका ई बुक कम्प्लीट हो जाएगा, सुंदर सा टिकाऊ सा ई बुक अच्छा सा कम्प्लीट हो जाएगा, तो आप इसको क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है एज अ PDF फॉर्म। यहाँ देखो PDF प्रिंट लिखा है, बस यहाँ पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद गाइज, आपको ये चीज आप फेसबुक पे जाके सेल कर सकते हो। अगर आपने काफी अच्छा लिखा हुआ है या काफी अच्छे आपने ब्लॉग को लिंक किया हुआ है, तो आप इसको नहीं भी तो $5 तक तो इजी सेल कर सकते हो। और बाहर के लोग इजी $5 ले लेते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे या आप फेसबुक पे, दोनों पे सेल कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको फेसबुक पे सेल करो, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप्स हैं जहाँ लोग इजी खरीद लेंगे। और अगर आप चाहो तो इससे बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हो। वो कैसे, आप इसको सेल मत करो, आप इसको करने के बाद एक लैंडिंग पेज बनाओ और वहां पर लोगों का ईमेल मांगो, ठीक है। ईमेल ऑटोमेशन मांगो, मतलब ईमेल वो पुट करेंगे तो उनको ये चीज मिल जाएगी। मतलब इसके आगे एक पेज लगा दो अपने PDF के, अपने ई बुक के, ठीक है। तो जैसे ही लोग उसमें फिल करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास उनका ईमेल पहुंच जाएगा। एक लैंडिंग पेज बना दो और ईमेल पहुंच जाएगा, फिर उससे आप उनको टारगेट कर सकते हो अपने एफिलिएट प्रोडक्ट बेचने में। और यहाँ आप नीचे में एक और पेज ऐड करके या यहीं पर एक डाल सकते हो कि माई बेस्ट एफिलिएट प्रोडक्ट। अब जो सा भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, जैसे कि माई बेस्ट एफिलिएट प्रोडक्ट बिल्डर, मतलब लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि आप ये बता सकते हो कि मेरा जो बेस्ट एफिलिएट प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है बिल्डरल। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो वहां पर आप उनको ये चीज बता सकते हो ताकि वो भी ट्राई करें और वहां से आपकी सेलिंग भी बढ़े, और प्लस आप जब उनका आप उनका ईमेल ले लोगे, लीड जनरेट कर लोगे, तो आप उनको टारगेट भी कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अच्छा खासा एक ईबुक बना के सेल भी कर सकते हो और दूसरा टारगेट भी कर सकते हो। अब यहाँ मैं अगर बोलूँ कि आप कितना इससे अर्निंग कर सकते हो, तो अगर दिन भर में भी आप 2-3 बेचते हो, ठीक है, 2-3 अच्छा खासा ईबुक बना के 2-3 बेचते हो, तो $15-20 तो आपकी अर्निंग होगी। और अगर आप अच्छा खासा खर्चा करते हो, मतलब एड्स लगाते हो फेसबुक में और ₹1,000 डेली के खर्चा करते हो, या तो ₹600 डेली के खर्चे करते हो, तो नहीं भी तो 10-12 बुक डेली के आप बेच सकते हो। यस गाइस, इट्स वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। फिर आपको इसको जाके इसमें ये भी ऑप्शन डालना पड़ेगा कि आपको पेमेंट कैसे करें, वो सब भी हो जाता है। इंस्टा मोजो यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो
लेकिन मैं बोलूंगा आप इसको लीड मैग्नेट के लिए यूज करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास लीड होगी उतना ज्यादा आप लोगों को चीज सेल कर पाओगे, क्योंकि ई बुक वही लोग लेंगे एफिलिएट मार्केटिंग की जिनको एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है मतलब वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यहाँ पर आप अपना अच्छा प्रोडक्ट बता सकते हो कि ये मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो जैसे वो क्लिक करेंगे आपके लीड मैग्नेट में वैसे भी आपके फनल में आ जाएंगे, फिर आप उनको टारगेट करके अपने प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, प्लस आप ई बुक करके अपनी एक पहचान बना सकते हो मार्केट में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज गाइस आप आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। सो प्लीज वन लाइक एंड वन कमेंट फॉर मी, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।